गाइस, अगर आप भी इंडियन रेलवे की किसी भी ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले या तो ऑनलाइन अपने मोबाइल के ऊपर ही देख लेंगे कि कौन सी ट्रेन की टिकट अवेलेबल है या नहीं और कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। तो ये अगर आपको नहीं आता तो आप बाहर किसी दूसरी शॉप के पास जाते हैं तो वहाँ से आप बुक करवाने की सोचते हैं या करवाते हैं, तो वह आपकी अगर टिकट अवेलेबल हुई तो आपकी वो बुक कर देगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में बताता है और उसमें काफ़ी अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है वेटिंग लिस्ट के अंदर, जौन सी भी ट्रेन का आप सफ़र कर रहे हैं। तो आपको यही कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सी वेटिंग लिस्ट बेटर है, मतलब आपका कन्फर्मेशन पॉसिबल है या नहीं। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आज मैं यह सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कौन कौन सी वेटिंग लिस्ट जो मोस्टली ट्रेनों के अंदर यूज़ होती है उनके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी वेटिंग लिस्ट के अंदर पॉसिबिलिटी कितने परसेंट तक की होती है कन्फर्म होने की। तो गाइस, ज़्यादा समय ना लेते हुए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इंडियन रेलवे के अंदर ऑनलाइन आप मोबाइल से यूज़ करो या बाहर किसी शॉप पे जाओ, अगर आपको अवेलेबल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब वेटिंग के अंदर आ जाए तो वेटिंग के अंदर भी काफ़ी अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं रेलवे की तरफ से, तो उन कैटेगरियों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी होता है ताकि आपको पता रहे कि किस कैटेगरी के अंदर आपका कन्फर्म होने के चांस होंगे। तो सबसे पहले जो कोटा आता है RAC का आता है। RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। RAC का फुल मतलब आपको समझ आ गया, अब इसका क्या यूज़ होता है, मतलब नॉर्मल रेलवे के अंदर कैसे कैसे इसका यूज़ होता है वो आपको मैं बताता हूँ। RAC मेन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है और मैक्सिमम उसी के अंदर यूज़ होती है वो होती है स्लीपिंग बर्थ, जो आप मतलब लेट के सफ़र जहाँ पे सो के सफ़र किया जाता है लॉन्ग रूट का, तो उसके अंदर RAC का यूज़ होता है। RAC की अगर आपको टिकट मिल गई है तो वो एक तरीके से 100% कन्फर्म है। कन्फर्म कैसे, आपको वो भी क्लियर करता हूँ। आप अगर एक टिकट बुक करा रहे हैं कि लेट के पूरा सफ़र करेंगे तो आपको पूरी सीट मिलेगी, तो वो कन्फर्म के अंदर पूरी सीट मिलती है। RAC के अंदर आपको हाफ सीट मिलती है। हाफ मतलब एक तो होती है लोअर बर्थ, जो पूरा कैबिन एक होता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और एक होता है साइड बर्थ, साइड के अंदर लोअर बर्थ, लोअर बर्थ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइड लोअर बर्थ, वहां पर दो सीटें होती हैं। ठीक है, उन दो सीटों में से एक सीट आपके लिए RAC के कोटे के हिसाब से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आमने सामने एक एक हो जाएगी। जिस टाइम आपकी कन्फर्म हो गई, बाई चांस कोई बंदा जिसकी कन्फर्म हो गई उसने कैंसिल कर दी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दी जाएगी और आपको उसके ऊपर वाला बर्थ आपके नाम पे वो हो जाएगा, मतलब कन्फर्म हो जाएगा। हो सकता तो दूसरा भी कन्फर्म हो सकता है, कोई और जो कोई सा भी कैंसिल करता है तो वो भी कन्फर्म हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, RAC का आपको ये मतलब पूरा पता चल गया, कन्फर्म ही है एक तरीके से, मतलब आप सफ़र आसानी से कर सकते हैं बैठ के, या जैसी कन्फर्म हो जाए तो लेट के भी आप सफ़र कर सकेंगे। तो RAC तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जो अगला वेटिंग लिस्ट का नाम आता है वो होता है GNWL। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल वेटिंग लिस्ट। अब इसका क्या यूज़ होता है, इसका अगर आप किसी भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या मतलब ऑनलाइन परचेज करने की सोच रहे हैं तो उसके अंदर आपको अगर ये वाला ऑप्शन देखने को मिले तो इसका मतलब क्लियरली ये समझ ले कि आपकी RAC के अंदर टिकट बुक नहीं हुई है, उसके बाद के स्टेप पे ये बुक हुई है। अब उसके बाद का ये स्टेप है, जो भी मतलब जिनकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, अब वो उनमें से कोई सा भी व्यक्ति मतलब कैंसिल कराता है अपनी टिकट, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, RAC को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। अगर उनका कोटा भी पूरा फुल हो जाता है, मतलब उनको भी पूरी सीटें अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसके बाद आता है GNWL, जनरल वेटिंग कोटा का नंबर आता है। मतलब इसके अंदर भी मैक्सिमम चांस होते हैं आपको टिकट आपकी कंफर्म हो ही जाती है, मैक्सिमम चांस होते हैं। इसके अंदर भी आपको ये समझ लो परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 70-80% इसमें चांस होते हैं कि टिकट आपकी बुक हो ही जाए। वो डिपेंड करता है कि आप टिकट कब बुक करवा रहे हैं, मतलब आप ये सोच रहे हो कि मान लो अगले दिन आपको जाना है या उससे अगले दिन, 2-3 दिन पहले ही आप टिकट बुक करवाते हो तो थोड़ा मुश्किल है। अगर आप 5-6 दिन पहले या हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले आप बुक करवा लो और वहाँ पे आपको दिख जाए GNWL देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब आपकी कन्फर्म होने की 70-80% पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब गाइस, अगला वेटिंग लिस्ट का नाम आता है RLWL। इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म मतलब पता चल गया। अब इसका यूज़ क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। अब आप एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ, किसी भी आप ट्रेन जो लंबे रूट की हो, मान लो एक दिल्ली से ट्रेन चल रही है अमृतसर तक के लिए, ये काफ़ी लंबा रूट है। अब इसके अंदर जितनी भी बड़ी सिटी आएंगी जहाँ पे ट्रेन रुकेगी, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है, छोटे छोटे स्टेशन बीच में से वो हटा देते हैं जब लॉन्ग रूट पे ट्रेन चलती है, तो छोटे छोटे रूट बीच में हट जाते हैं। जो बड़े बड़े स्टेशन बसते हैं उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर सफ़र करना चाहता है, अगर मेरे को देखिए दिल्ली से सफ़र नहीं करना, मेरे को सफ़र क्या करना है, दिल्ली से आगे जो बड़ा स्टेशन आएगा तो वहाँ से सफ़र करना है, उससे आगे मेरे को जहाँ पर भी जाना है तो वहाँ पर अगर टिकट मेरे को कन्फर्म नहीं मिलती तो वहाँ पर आपको RLWL ये एक वेटिंग लिस्ट का नाम आएगा वहाँ पे। अगर आप रिमोट लोकेटेड मतलब बड़ी बड़ी सिटीज के बीच में सफ़र करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप उसके अंदर बुक करवाते हैं टिकट तो आपको इसके अंदर पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी, मतलब ये समझ लो 40-50% पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी सीट बुक हो जाए। तो इसके अंदर कैसे पॉसिबिलिटी सेट होती है, अगर कोई भी व्यक्ति अमृतसर से जो दिल्ली आ रहा है, मतलब दिल्ली से अमृतसर जो जा रहा है, उसको पूरी टिकट कैंसिल करनी होगी, मतलब तभी जो दिल्ली से ही जो स्टार्ट कर रहा है ना, अगर वो अपनी टिकट कैंसिल कर दे मैं अमृतसर नहीं जा रहा, तब जाके आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी तभी 40-50% मैंने आपको रखी है, क्योंकि ज़्यादा इसके चांस ना मानो, क्योंकि यह दूसरी ट्रेन कर लो तो बढ़िया है। ठीक है, अब जो अगला वेटिंग लिस्ट का नाम आता है उसका नाम है PQWL, इसका फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब आप इसका फुल फॉर्म समझ गए, अब इसका यूज क्या होता है अब वो मैं बता देता हूं। इसके अंदर भी आप एक एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर बाय चांस अगर कोई नई दिल्ली से ट्रेन चल रही है, नई दिल्ली से चल रही है आपका अमृतसर तक, ठीक है, वही वाला मैंने सेम एग्जांपल लिया है। अब इसके अंदर बड़े स्टेशनों के ऊपर जरूरी नहीं रुके, इसके अंदर हर एक छोटे छोटे स्टेशनों के ऊपर भी रुकेगी ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन भी होती है जो हर एक स्टेशन पर रुकती है, बाय चांस जो बढ़िया ट्रेन होती है जो काफ़ी फास्ट चलती है, जो टाइमिंग कम लेती है, वो मेन रूटों पर रुकती है। जैसे दिल्ली से अमृतसर है जो काफ़ी महंगी जिसकी टिकट आती है, उसके अंदर क्या होता है आपको 4-5 स्टेशन रुकती है और सीधा आपको अमृतसर पहुँचा देती है, और जो कम पैसे लेती है, ठीक है, और जब जनरल बुगी होती है या दूसरी रिजर्वेशन जिसके अंदर होती है तो उसके अंदर क्या होता है, पैसे तो कम ले रहे हैं लेकिन वो रुकते बहुत ज्यादा है। आपके अगर दिल्ली नई दिल्ली से अमृतसर तक कम से कम आपके ना चाहते हुए 15 स्टेशन रोक लेगी, जितने भी बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं तो वहां पर वो रोकेगी। तो अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाना चाहता है, मतलब दिल्ली से लेकर कोई बीच में छोटा सा स्टेशन जाना चाहता है, छोटे किसी से भी स्टेशन पर जाना चाहता है, तो वो उसके लिए यह वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। या कोई बीच में जोन सा भी कोई स्टेशन आता है वहां से वो जाना चाहता है दूसरे वहां पर अमृतसर तक, तो उनके लिए यह फैसिलिटी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर ही है, मतलब ये समझ लो आपकी 20-30% आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको टिकट कंफर्म हो जाए। वैसे पॉसिबिलिटी इसके अंदर भी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपनी कंफर्म टिकट दिल्ली से अमृतसर तक की कैंसिल नहीं करेगा तब तक आपकी सीट कंफर्म हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में। ठीक है, अब जो अगला कोटा आता है वेटिंग लिस्ट का, मतलब तो उसके अंदर आता है TQWL, मतलब तत्काल वेटिंग लिस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई सी भी जैसे तत्काल के अंदर आप चाहिए एक दिन पहले या दो दिन पहले तत्काल के अंदर चाहिए, तो कुछ एक दो सीटें बची होती है तत्काल में, तो वो अगर कोई दो सीटें भी ले लेता है उसके बाद जो बचता है तो वो वेटिंग के अंदर चला जाता है। तो वेटिंग के अंदर आपका अगर नाम चला गया, ठीक है, तो उसके अंदर ये समझ लो 5-10% तक के चांस होंगे कि आपकी सीट कंफर्म होगी, मतलब आपको तत्काल की टिकट मिलेगी। वैसे नामुमकिन है कि आपको तत्काल की सीट मिले, क्योंकि एक दो दिन पहले ही आप बुक करवा रहे हो तो जो थी वो तो दे दी, अगर आप उसके बाद भी बैठे हो कि मेरे को मिल जाए तो वो नामुमकिन सही समझ लें। तो ये तो आपने सारी चीज़ समझ ली कि किस किस लेवल के हिसाब से ये होता है, कौन कौन से कोटे होते हैं वेटिंग लिस्ट के। अब आप ऑनलाइन जब भी देखते हैं तो ऑनलाइन के अंदर आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे, मतलब क्या होकर है, उसके अंदर लिखा होता है, मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वो क्या होता है, अब उसके अंदर आप कोई सी भी ट्रेन सर्च करते हो तो ट्रेन के नीचे जो अगर आपकी सीट नहीं अवेलेबल तो उसके नीचे आपको बताया जाता है कि GNWL, मैंने एग्जांपल के लिए एक कोटा लिया है वेटिंग लिस्ट का, एक कोटा लिया है GNWL, ठीक है, उसके साथ ही
डंडी है उसके साथ वेटिंग लिस्ट GNWL के साथ आपको नंबर दिख रहा होगा 213, ठीक है। और उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट मतलब WL के साथ भी नंबर एक दिख रहे होंगे जिसमें लिखा होगा 35। ये चीज आप समझिए। अब आपको ये समझ में आता है कि वेटिंग लिस्ट के अंदर 35 है तो ये GNWL मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट इसके अंदर 213 है, मतलब ये क्या है कन्फ्यूजन, ये कैसी है, ये कन्फ्यूजन हो रही है ना बिल्कुल आपके लिए। तो अब ये कन्फ्यूजन वो मैं दूर करता हूँ। इसके अंदर क्या है, अब 213 जहाँ पे लिखा हुआ है मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट के अंदर 213 लिखा है। अब वो लोगों ने मतलब उनके लिए सीट अवेलेबल नहीं थी तो उन्होंने टिकट फिर भी बुक करवा दी। अब बुक करवा दी, अब उन्हें लास्ट टाइम पे ये पता चल गया है कि टिकट कंफर्म हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में, छोड़ो कैंसिल करवाए थे अपनी टिकट। अब वो कैंसिल करवा दी, अब वो कैंसिल आपको कैसे पता चलेगी, अब इसके अंदर कितनी लोगों ने बुक करवाई है मतलब कितने लोग वेटिंग में है, तो साथ में वेटिंग लिस्ट है कि 35 लोग की वेटिंग लिस्ट है, मतलब 213 लोगों ने वैसी इमरजेंसी में बुक करवा दी थी फिर बाद में कैंसिल करा दी, कैंसिल कराते कराते सिर्फ 35 की वेटिंग लिस्ट बची, मतलब 177 लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी। तो ये इसका पूरा मतलब होता है सही ढंग से अगर समझाया जाए तो। तो ये पूरा आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ऑनलाइन अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पर कैसे आपको शो होती है। ऐसी किसी के ऊपर भी ये भी लिखा हो सकता है कि TQWL और फिर डंडा फिर WL मतलब वेटिंग लिस्ट, तो उसके अंदर भी नंबर लिखे होते हैं। तो मेन वेटिंग लिस्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है जहाँ पर WL लिखा होता है कि उसके अंदर कितने पर्सन है, उसके अंदर नहीं देखा जाता, जो इनका कोटा होता है लाला उसके अंदर नहीं देखा जाता। ये चीज़ आपको पूरी क्लियर मैंने आपके सामने कर दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करें लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।